हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू दोस्तों, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। जब आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर इंसिस्ट करते हो कि हाँ भाई इस पर वीडियो बनाओ, मुझे इस पर वीडियो चाहिए, और आपके वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आप अप्रिशिएट करते हो या फिर मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरी कॉन्टेंट पसंद आ रही है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले होम थिएटर और DSLR कैमरा के ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैंने यूज़ करा है। तो यार आप देख लो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर होम थिएटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर FND का F550X वाला होम थिएटर है। ये 56 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है, और इसे आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ अभी 3800 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। आप नॉर्मल डेज में इसकी प्राइसिंग देख सकते हो, करीब यहाँ पर 4300 के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख लो, काफ़ी अच्छा डील, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। वहीं अगर बात करूँ दूसरे साउंड बार के बारे में, तो यहाँ पर आपको बोट का अवंते बार है, एक बहुत अच्छा बार है ये, और यहाँ पर इसकी कीमत 4300 रुपीज़ है। और यहाँ पर प्राइस ग्राफ आप देख सकते हो, आपको सेल्स और ऑफर्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट पर मिल रहा है। यहाँ पर इसकी कीमत 7000 है नॉर्मल डेज़ में, और अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 4300 में मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा डील है, आपके साथ जा सकते हो, और यहाँ पर आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है यहाँ पर। वहीं अगर बात करूँ जो मैं होम थिएटर यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में, तो पैनासोनिक का SEHT21GW वाला ब्लूटूथ स्पीकर मैं यूज़ करता हूँ, और इसको मैंने अपने सेटअप के साथ कनेक्ट करके रखा है, और ये 65 वॉट का ब्लूटूथ होम थिएटर है। काफ़ी अच्छा है इसका साउंड क्वालिटी, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। तो अगर आपको ये होम थिएटर लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी डील है। जब इसे मैंने खरीदा था तो इसे 6000 में खरीदा था, और अभी यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी डील है, आप इसके साथ जा सकते हो। आप देख सकते हो इसकी कीमत नॉर्मल डेज में 6000 के आसपास है, और यहाँ पर अभी आपको ये 5000 में मिल रहा है। अगर बात करें और भी स्पीकर के बारे में, तो FND की जो स्पीकर होती है ना, वो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साउंड क्वालिटी के साथ ही साथ उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और इसकी जो रेट्स होते हैं ना, वो भी अफोर्डेबल रेट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो 5000 के बजट में हमारे पास एक और ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि FND की तरफ से आता है, FND F560X। और ये जो ब्लूटूथ होम थिएटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4300 रुपीज़ में अभी आपको मिल रहा है। नॉर्मल डेज़ में इसकी कीमत आप देख सकते हो 5000 रुपये के आसपास रहती है नॉर्मल डेज़ में इसकी कीमत। तो यहाँ पर इस डील में 4300 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा डील, आप इसके साथ जा सकते हो। अगर वहीं बात करूँ एक्शन कैमराज की, तो एक्शन कैमराज में GoPro Hero 7 आपको सिर्फ और सिर्फ 26000 रुपये में मिल रहा है, और अभी GoPro Hero 8 भी लॉन्च हो गया है, और बेसिकली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर अभी GoPro Hero 7 के पूरे बंडल पैक पर अभी काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, 26000 में आपको ये मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल डेज में इसकी कीमत 30500 के आसपास रहती है, और यहाँ पर अभी आपको करीब 4500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर बात करूँ DSLR कैमराज के बारे में, तो कैनन का EOS 3000D सबसे सस्ता कैमरा है, जो कि आपको 17000 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर ये सिंगल लेंस किट के साथ आता है, और 17000 रुपये इसकी कीमत है अभी। नॉर्मल डेज में इसकी कीमत आप देख सकते हो करीब 22000 रुपये के आसपास होती है, तो काफ़ी अच्छा डील है। और अगर ऐसे सेल्स और ऑफर्स, नॉर्मल सेल्स और ऑफर्स आता है, रिपब्लिक डे सेल या फिर इंडिपेंडेंस डे सेल, तो वहाँ पर इसकी कीमत 19000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक होती है। तो यहाँ पर आप देख लो, 17000 रुपये में काफ़ी अच्छा डील है। और मेरी मानो ना, तो हमेशा डुअल लेंस किट लो, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। अगर आप जो 55-250 है उसको बाद में लोगे, तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैनन का एक और कैमरा है, कैनन EOS 1500D, ये डुअल लेंस किट के साथ आता है, और इसकी कीमत आप देख सकते हो 30000 रुपये में मिल रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल डेज में इसकी कीमत आप देख सकते हो 34000 रुपीज़ है। तो 4000 रुपये की आपको यहाँ पर बचत हो जाएगी अगर आप इसके साथ जाते हो तो। वहीं अगर बात करें निकॉन के कैमरा की, तो निकॉन का एक कैमरा है, निकॉन D5300 DSLR कैमरा, बहुत अच्छा कैमरा है ये भी। वहीं निकॉन की तरफ से एक और कैमरा आता है, निकॉन D5600, ये भी कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर नॉर्मल डेज़ में आप इसकी कीमत देख सकते हो कितना रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 38000 रुपीज़ है, और अभी ये आपको 35000 रुपीज़ में मिल रहा है, तो 3000 का डिस्काउंट अभी आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि डुअल लेंस किट लेना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैंने भी सिंगल लेंस किट लिया था, और अभी मुझे लगता है कि मैं, काश मैंने डुअल लेंस किट लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफी में हो नहीं,
तो आप ले सकते हो सिंगल लेंस किट। और यहाँ पर अगर 50,000 के अंदर बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेना है तो कैनन ईओएस 200D Mark II इज़ द बेस्ट कैमरा दैट यू कैन गेट अराउंड 50,000 bucks। यहाँ पर आप देख सकते हो 50,000 रुपये में ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। यहाँ पर मैं कैनन का ईओएस 200D Mark I यूज़ कर रहा हूँ और वो भी कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ यहाँ पर कैनन 200D Mark II लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा है और इस पर अभी कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो पहला दिन था सेल का उसमें आपको यहाँ पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा था। और जितने भी यहाँ पर अगर आप सेल से पहले ये वीडियो देख रहे हो 10% ऑफ मिलेगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पे या फिर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ साथ अगर आप सेल होने के बाद, सेल ख़त्म होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी दिवाली सेल आने वाला है, दिल थाम के रहो, काफ़ी अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे और उस समय भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को नोटिफाई करता रहूंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। वहीं अगर बात करूँ मिररलेस कैमरा की तो यहाँ मिररलेस कैमरा में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सोनी का अल्फा सीरीज़ का कैमरा में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 80,000 में अभी आपको ये मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल डेज में इसकी कीमत 1,00,000 के आसपास रहती है, 1,05,000 के आसपास रहती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और सोनी के जो मिररलेस कैमरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आप इनको भी चेकआउट ज़रूर करना, सोनी के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। और जब से सोनी ने अल्फा सीरीज़ लॉन्च करा है काफ़ी लोग स्विच कर रहे हैं कैनन निकॉन टू सोनी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैमरास बनाती है सोनी।